कैनवस आ गया। यहाँ पे एक डिज़ाइन के लिए जो है ना बैकग्राउंड पेपर्स वाइट है, इसी के ऊपर मैं लाइनें लगाता हूँ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ऐड टू सिलेक्शंस को क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करता जाता हूँ, ये लाइनें मेरे पास आती जाता है। ठीक है, ये समझिए पहले वाला काम जो है तकरीबन दोबारा ही सारा रिपीट होगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंगल कॉलम मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, ऐड टू सिलेक्शंस को ऑन किया और फिर से यहाँ पर लाइने लेता जा रहा। ठीक है, यहाँ पर लाइने लगे, लाइन लगने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस किया तब भी, या आर्ट बैक स्पेस किया तब भी, या कलर ब्लैक ले आता हूँ, ऑनलाइन कलर ब्लैक करता हूँ और आर्ट बैक स्पेस करता हूँ। ठीक है, ये कलर्स मेरे पास हैं। ठीक है, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शंस को रोक। ठीक है, ठीक है, अब न्यू ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से नहीं ले रहा हूँ। अब इस नए लेयर के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू वाला इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया रेक्टेंगल मार्केट रूम नॉर्मल ही से रखा और यहाँ पर रखकर मैंने इसकी सिलेक्शन ली, ये समझ सकती है। और फिर उसके बाद एलिप्स की ऑप्शंस को ऑन किया और इसमें ऑप्शन ऑन किया ऐड टू सिलेक्शन की, और दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं इसको वेल्ड कर। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको किया डिलीट। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने सर्कल लिया तो उसकी फिदरिंग पहले दी हुई, फिदरिंग को आप खत्म करेंगे। ठीक है, नहीं तो वो फिदर कवर नजर आएगा आपको। ठीक है, मैंने वो खत्म किया, यहाँ से इसकी सिलेक्शन ली इस तरह से और फिर डिलीट कर, डिलीट हो गया, सिलेक्शन को खत्म कर, सिलेक्शन भी खत्म हो गई। इसके बाद दोबारा से यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल लिया और अब इसके बाद एलिप्स को सिलेक्ट किया, ऐड टू सिलेक्शन ऑन रखा और इन दोनों को यहाँ पर रखा, ये मैंने वेल्ड कर दिया। ठीक है, ऊपर रेक्टेंगल शेप है, नीचे मैंने सर्कल में दे दिया, वेल्ड करते हुए मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक हो गया, अब इतना काम करने के बाद एक और नहीं ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं सर्कल को यहाँ पर रखता ही ड्रॉ। ठीक हो गया, फिर सब ट्रैक के ऑप्शंस को ऑन किया और इसके ऊपर इसको यूज किया इतना इतना पोर्शन मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन में आ गया। अब कलर अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी दे दें, मैंने जैसे कि व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, आर्ट बैक स्पेस किया, उसका कलर को कंट्रोल डी के साथ से मूव टूल को सेलेक्ट किया, आर्ट का बटन होल्ड किया, सिलेक्शन रिमूव है और जब मैं इसे मूव करता हूँ ये कॉपी होती है, नई लेयर इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, इसी को उठा कर थोड़ा सा ऊपर ले गया इसके। ठीक है, और कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए इसमें सेलेक्ट किया, अपना पोर्शन जो है वो मेरे सिलेक्शन में आ गया और सिलेक्शन में आने के बाद अब इस पर कलर जो है वो मैं करता हूँ मेहरून या रेड टाइप का कलर करता हूँ। ओके किया और बैक स्पेस किया, कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन का बटन दोनों ही को भी कंट्रोल डी किया, मर्ज कर दिया, मूव टूल को सिलेक्ट किया, आर का बटन होल्ड करते हुए नीचे ले आया। अब ये दोनों एक हो गई, जब मूव करोगे ये दोनों ही बल्कि एक है, अब इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल जब टच दे दे फिर आपने इसे मर्ज करना, आर का बटन होल्ड किया नीचे ले आया, नीचे लाने के बाद कंट्रोल डी किया, इसका साइज मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, जो भी वर्क करना चाहते हैं वो आप कर सकते, फिर आर का बटन होल्ड किया, इसको कॉपी करके नीचे ले आए, कंट्रोल डी किया, इसके साइज को और मजीद छोटा कर दिया। ठीक हो गया, कंट्रोल ई कंट्रोल डी तीनों मर्ज हो गए,
मेरे पास ये फाइल आ रहा है। अब यहाँ पर अभी तक लेयर्स कितनी आ रही, तीन आ रही है। मैं साथ साथ जो कॉपी दे रहा था उनको मर्ज कर देता हूँ, जो फाइनल था स्ट्रीमिंग से खत्म कर देता। अब फिर एक नई लेयर ऐड की, नई लेयर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेसन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, मेरा ये क्लिक किया और यहाँ पर ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फिर से मैंने कलर किया, चले वाइट हो जाए, येलो हो जाए, वाइट हो जाए, ग्रीन हो जाए, कोई भी कलर ठीक हो गया। मूव टू को सिलेक्ट किया, आर के बटन होल्ड रखते हुए इसकी एक कॉपी निकाली और फिर से एक कॉपी निकाली इसकी, ठीक हो गया। अब इन कॉपी को कंट्रोल टी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चुका, इसको भी कंट्रोल टी किया और यहाँ से आते इसके साइज को, इसके साइज को मजीद छोटा किया, ठीक हो गया। अब ये तीन लेयर्स हैं, कंट्रोल टी किया, मर्ज कर दिया तीनों को, ठीक हो गया। आर का बटन होल्ड करते हुए इसको नीचे लेकर आए, ठीक हो गया। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म से कर दिया वर्टिकल फिलर, ये वर्टिकल फिलर ये आपके पास यहाँ पर नजर। अभी तक जितने भी हमने टूल पढ़े हैं उन तमाम टूल की मदद से ये असाइनमेंट बन गई। अब यहाँ पर आकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन हमने पढ़ी थी फिक्स साइज की, फिक्स साइज 64x64 विड्थ और हाइट के साथ मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा, मैंने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले उससे पहले इन दोनों को आप मर्ज कर लें, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब नई लेयर ले लें इसके ऊपर और यहाँ पर ये क्लिक करें, ठीक है, और इसके ऊपर कलर जो है वो फिल कर लें। बॉक्स मेरे हिसाब से छोटा है, मैं 64 के बजाय 120 करता हूँ और नेक्स्ट पे जाकर इसे भी 120 px यानी कि पिक्सल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स पहले की बारे में थोड़ा सा बड़ा हो गया, आर्ट बैचलेस किया, कलर वाइट वाला किया, सिलेक्शन को मैंने ख़त्म कर दिया। मूव टू को सिलेक्ट किया, आर का बटन होल्ड रखते हुए इसको मूव किया, उसके इसके कॉर्नर के साथ यहाँ लाकर छोड़ दिया, रेको कॉपी की, इसको इस कॉर्नर के साथ क्या लागत है, ठीक हो गया। फिर आर्ट के साथ फिर इसको इसके साथ क्या लागत है, ठीक है। जितनी मर्जी कॉपी यहाँ पर बनाना, ये मैंने एक डिज़ाइन जो है यहाँ पर रखा था क्रिएट कर, ठीक हो गया। ये बनाने का मकसद बेसिकली तमाम टूल समझाना था जो अब तक मैंने आपको पढ़ा है। सर्कल भी हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया, इसमें पॉलीगॉन भी हो गया, लैसो भी हो गया, तमाम भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेसिक्स क्लियर है। अब इसके बाद एक और असाइनमेंट में डिज़ाइन करता हूँ, न्यू कैनवस लिया, इसके ऊपर मैंने कलर जो फिल करता हूँ वो कलर मैंने लिया डार्क ब्लू और कंट्रोल बैक स्पेस किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कलर ऐड किया, ऐड करने के बाद एक और नई लेयर को ऐड किया, इसमें आकर मैंने सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने फिगरिंग दी इसकी 15%। एक सर्कल ड्रॉ किया, सिलेक्शन ली और दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि फिगरी ना हो उससे जीरो करने के बाद सब ट्रैक की ऑप्शन को ऑन रखा और इसकी यहाँ पर आकर मैंने कटिंग कर सब ट्रैक, ठीक है। अब मून क्योंकि वाइट कलर का होगा, यहाँ पर मैंने किया आर टैग स्पेस, वाइट कलर का मून आ गया, इस साइड पर फिगरी किया, इधर मैंने जीरो किया था लिहाजा इधर नहीं आया, अगर जो कटिंग के साथ मैंने लिया था उसकी भी फिगरिंग करता तो इधर भी फिगरिंग आ, कंट्रोल डी कर दिया और इस साइड्स पर बाहर वाली साइड पर फिगरिंग किया, अंदर वाली साइड पर फिगरिंग किया, आई बात।
ये एक मेंबर्स डिजाइन किया। अब नई लेयर के लिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया पॉलीगन टूल को, इस कॉर्नर पर रखकर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक क्लिक करता गया। ये सिलेक्शन भी मैंने अभी उसे छोटी सी पहाड़ी सी बनाई है और यहाँ पर कलर मैंने किया ब्लैक, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आर्ट बैक स्पेस फिदरिंग अभी देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बगैर फिदरिंग के मैंने ये पहाड़ी बना दी और इसको छोड़ दी, ठीक है, जैसे भी सिक्वेंस मैंने बनाया वेबसाइट पर करके आपको देखा, ठीक हो गया। बेशक कंट्रोल डी करके इतने पोर्शन को बताए, ठीक है, डिज़ाइन आपने खुद से करना है, बेशक एक पहाड़ का इमेज ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर लें, बाद में उसकी सिलेक्शन में आप रख दें, उसे लगा दें, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर एक नई चीज़ बताने लगा हूँ, इसी के हवाले से नई लेयर में ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्रश मुख्तलिफ मेरे पास स्टाइल मौजूद हैं, कोई भी ब्रश इसमें से आकर आप सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट करें, ये ले लें, ये ले लें, ये आपकी मर्जी है। अब साइज इसका यहाँ से बड़ा हो सकता है, वाइट कलर मुझे सिलेक्ट करना है, इतने स्टार जो है वाइट कलर में होते हैं, साइज बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं इसके अंदर जाकर भी, और बिग ब्रैकेट क्लोज के साथ भी इसका साइज बड़ा हो सकता है, जो स्टार ज़्यादा नीचे होगा वो ज़्यादा बड़ा नजर आएगा और जो छोटे से छोटा होगा वो ठीक हो गया। इस तरह से सिर्फ एडिटिंग नहीं होगी बल्कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ाइन करके भी रख सकते हैं। ये फिलहाल दो डिज़ाइन है, इसके अलावा आप मज़ीद काम भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं इमेज की सिलेक्शन लेता हूँ, इमेज को यहाँ कॉल करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उसे लगा देता हूँ, आप दो चीज़ें और यहाँ पर मौजूद हैं कटिंग करके उनको लगाना। तो अभी मैं सर्च भी करता हूँ, अभी ये डिज़ाइनिंग करके वीडियो को आप स्टोर करते हैं।